प्रिय छात्रों, व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत अध्याय 19 में हम जानेंगे कि आंतरिक व्यापार। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय जो है वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य करता है, और ये कार्य जो है वो लाभ कमाने की इच्छा से करता है। अब वस्तुओं का यहाँ पर जो क्रय विक्रय होता है वो हमारी आपकी आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार से व्यापारी जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके जो है क्रय विक्रय के माध्यम से जो है लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ उसकी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ती रही। क्योंकि प्राचीन समय में मनुष्य की जो आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, जिससे उत्पादन भी क्या है बहुत सीमित था। जैसे कि यदि हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कि उत्पादन की मात्रा बहुत सीमित होती थी, लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती थी, वहां पर जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अदल बदल प्रक्रिया अर्थात विनिमय के माध्यम से पूरी करते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। तो वस्तु विनिमय के अंतर्गत की वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त करना। जैसे यदि एक किसान जो है वो अनाज जुलाहे को देता है, जो कपड़े उसको बनाकर देता है, या दर्जी को सिलाई करके जो कपड़े की देता है, तो उसके बदले में वो कपड़े प्राप्त करता था और इसके समान जो है वो गेहूं उसको प्रदान करता था। तो इसके मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो है वस्तु के बदले वस्तु को प्राप्त किया करता था। फिर धीरे धीरे जैसे मुद्रा का चलन शुरू हुआ तो यहाँ पर जो है विनिमय की प्रक्रिया जो है मुद्रा के माध्यम से की जाने लगी, और ये जो है प्रत्यक्ष न होकर मुद्रा के माध्यम से होने लगे, जिससे व्यापार सरल व सुविधाजनक हो गया। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले व्यापार से देखते हैं कि व्यापार से ऐसा जो है लोगों के बीच होने वाले वस्तुओं और माल के विनिमय से होता है, जो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो व्यापार क्या कहलाता है? जो दो पक्ष के बीच में वस्तुओं या माल के परस्पर आदान प्रदान से है वो कहलाता है व्यापार, और जो कि लाभ इसमें मुख्य उद्देश्य जुड़ा होता है। यहाँ पर जो है व्यापार को जो है दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक आंतरिक व्यापार और नंबर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आज इस अध्याय में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं या करेंगे अभी आगे, वो है आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार क्या है? ऐसा व्यापार जो किसी एक देश की सीमा के भीतर विभिन्न स्थान या क्षेत्रों में किया जाता है। आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक देश की सीमा के अंदर अर्थात देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच में या जिलों के बीच में या विभिन्न शहरों या विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आपसी में जो है व्यापार किया जाता है, वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। जैसे कि यदि मध्य प्रदेश का व्यापारी है और वो गुजरात के व्यापारी के साथ क्रय विक्रय करता है तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक व्यापार। इस प्रकार से आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो आंतरिक व्यापार है। इसकी जो विशेषताएं हैं तो जैसा कि नंबर एक बताया, एक देश की सीमा के अंदर होता है। मध्य प्रदेश का व्यापारी या आपके बम्बई का व्यापारी आपस में यदि एक दूसरे से मिलकर व्यापार करते हैं, यहाँ पर क्रय विक्रय करते हैं, तो एक देश की सीमा के अंदर हो गया। फिर भुगतान जो है इसमें जो है देश की मुद्रा में ही किया जाता है। यदि हम भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ मुद्रा के रूप में जो रुपए चलते हैं, तो आंतरिक व्यापार में जो भी लेन देन होगा वो रुपए के माध्यम से किया जाएगा। फिर देश के भीतर वस्तुओं के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं होता। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होते। फिर यदि क्रेता और विक्रेता के कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में वस्तु विक्रय अधिनियम यहाँ पर लागू होता है, और क्रय विक्रय पर जो है देश की सरकार द्वारा लागू क्रय विक्रय अधिनियम का पालन किया जाता है। वह जो भी सरकार के द्वारा नियमानुसार आंतरिक व्यापार के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है वो दे होता है। तो ये कहलाता है आंतरिक व्यापार और उसकी विशेषताएँ। अब यहाँ पर आंतरिक व्यापार को जो है दो भागों में बांटा है, नंबर एक थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। नंबर एक थोक व्यापार और नंबर दूसरा फुटकर व्यापार। तो यहाँ पर आंतरिक व्यापार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे थोक व्यापार क्या है। तो यहाँ पर जो है सामान्य तौर पर उत्पादक जो है वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को आमतौर पर नहीं बेचता,
बल्कि इसके बीच में कोई ना कोई मध्यस्थ होते हैं और इन मध्यस्थों के माध्यम से जो है वस्तुएं उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। तो ये जो बीच के लोग कहलाते हैं वो कहलाते हैं मध्यस्थ। इन मध्यस्थों के माध्यम से वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है। इस प्रकार से थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी यहाँ जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। तो जो थोक व्यापारी और जो फुटकर व्यापारी हैं वो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच के बीच में एक कड़ी या माध्यम के रूप में मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं थोक व्यापारी की परिभाषा क्या है। इसके अंतर्गत जो है एक या एक से अधिक विशिष्ट वस्तुओं का लेन देन करता है और माल उत्पादक से बड़ी मात्रा में खरीद कर उसे छोटी छोटी मात्रा में विभक्त करके फुटकर व्यापारियों को बेचता है। तो थोक व्यापारी का कार्य क्या है, यहाँ पर कौन कहलाएगा थोक व्यापारी? जो वह व्यापारी जो एक या एक से अधिक विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को बहुत अधिक मात्रा में खरीदता है, फिर उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करता है और फिर उसको अलग अलग तौर पर फुटकर व्यापारियों को बेचता है, वो थोक व्यापारी कहलाता है। ये क्या करता है, माल को बिक्री योग्य बनाने के लिए अन्य कार्य जैसे वस्तु का क्या करता है, श्रेणीकरण करता है, प्रमापीकरण करता है, प्रसंस्करण करता है और पैकेजिंग आदि के कार्य भी थोक व्यापारी करता है। तो एक सच्चा थोक व्यापारी ना तो केवल उत्पादक होता है और ना ही फुटकर व्यापारी, बल्कि वह इन दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात उत्पादक और यहां से थोक व्यापारी, इसके नीचे फुटकर व्यापारी। यहां पर जो है उत्पादक से माल को प्राप्त करता है और ये फुटकर व्यापारी को बेचता है। तो ये जो है यहाँ पर ये बीच में एक थोक व्यापारी जो है बीच में उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये जो परिभाषा थोक व्यापारी की। अब इसकी जो विशेषता, एक उपयोगी कड़ी है, ये उत्पादक और व उपभोक्ता के बीच एक कड़ी है, उपभोक्ता के बीच कड़ी है। फिर दूसरा जो विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार, ये दूसरा बिंदु जो है वो विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार, अर्थात थोक व्यापारी जो है कुछ निश्चित प्रकार की वस्तुओं का ही ये व्यापार करता है, क्योंकि इसको बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदना होता है और वो उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है। जैसे यदि वो साबुन की सप्लाई करता है तो कुछ निश्चित प्रकार के जो ब्रांड के साबुन से, जैसे लक्स या लिरिल या सिंथॉल, सिर्फ उन्हीं प्रकार की वस्तुओं साबुनों को वो मंगाता है और उन्हीं को वो व्यापार करता है। तो विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करता है। फिर अन्य कार्य के अंतर्गत ये वस्तुओं का श्रेणीकरण करता है, उनको क्रम से जमाता है, उनका प्रसंस्करण करता है, साथ ही उनकी पैकेजिंग आदि के भी कार्य करता है। फिर साख सुविधा की बात करें, थोक व्यापारी जो है चूंकि माल को उधार बेचता है फुटकर व्यापारी को, और साथ में यदि आवश्यकता पड़ती है तो उत्पादनकर्ता को भी वो यहाँ पर पूंजी उपलब्ध कराता है ऋण के रूप में, और चूंकि थोक व्यापारी के आधार पर उत्पादनकर्ता जो है माल को यहाँ उत्पादित करता है, तो आवश्यकता पड़ने पर थोक व्यापारी जो है उत्पादनकर्ता को भी यहाँ पर ऋण या पूंजी उपलब्ध कराता है। वहीं फुटकर व्यापारी को ये माल उधार बेचता है और इस प्रकार से उनको भी साख सुविधा प्रदान करता है। फिर मूल्य नियंत्रण, यहाँ पर थोक व्यापारी जो है बहुत अधिक मात्रा में माल को एकत्रित करके अपने पास रखता है, स्टॉक रखता है, तो बाजार में जो है मांग के हिसाब से वो उसकी पूर्ति करता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा थोड़े मात्रा में जो है फुटकर व्यापारी को माल बेचता है। इस स्थिति में क्या है कि बाजार में जो है पूर्ति प्रॉपरली बनी रहती है, तो मूल्य पर जो नियंत्रण है वो थोक व्यापारी के माध्यम से प्रॉपरली बना रहता है। फिर लाभ प्रतिशत कम, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ये माल को खरीदता और बेचता है, इसलिए इसकी जो लाभ का प्रतिशत है वो बहुत ही कम होता है। फिर विज्ञापन व्यय की बात करें, उत्पादनकर्ता की ओर से थोक व्यापारी जो है विज्ञापन का भी कार्य करता है,
चूंकि बहुत अधिक मात्रा में माल कभी कभी थोक व्यापारी स्वयं ही उत्पादनकर्ता से उत्पादित करवाता है और माल को बाजार में बेचने के लिए विज्ञापन का कार्य भी जो है वो थोक व्यापारी द्वारा किया जाता है। फिर नमूने द्वारा बिक्री, यहाँ पर जो है थोक व्यापारी जो है विभिन्न अपने रिटेलरों को, फुटकर व्यापारियों को जो है सैम्पलिंग के द्वारा जो है बिक्री के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो ये जो है थोक व्यापारी की विशेषताएं। इसके बाद हम देखें इसके प्रमुख कार्य, तो वस्तुओं का एकत्रीकरण करता है, ये समस्त प्रकार की वस्तुओं को क्या करता है, ये एकत्रित करता है, जिन जिन वस्तुओं का वो उत्पादन विक्रय करता है तो उन वस्तुओं को अपने पास एकत्रित करता है। फिर दूसरा भंडारण, आप स्टॉक को वो प्रॉपरली बनाकर रखता है ताकि फुटकर व्यापारियों द्वारा मांग किए जाने पर वस्तुओं की आपूर्ति वो समय पर कर सके, तो इसके लिए जो है भंडारण करके रखता है, स्टॉक करके रखता है। फिर वस्तुओं का वितरण, यहाँ पर जो है वस्तुओं का वितरण जो है प्रॉपरली परिवहन के साधनों से, विभिन्न साधनों से जो है समय अनुसार जो है फुटकर व्यापारियों तक वो समय से पहुंचाता है। फिर परिवहन, फुटकर व्यापारी तक माल को पहुंचाने के लिए कभी कभी यहाँ पर जो है थोक व्यापारी के द्वारा परिवहन की सेवाएं भी प्रदान की जाती है। फिर श्रेणीकरण एवं पैकेजिंग, चूंकि बहुत अधिक मात्रा में ये माल को खरीदता है थोक में, तो बड़े बड़ी पैकेजिंग में इसके पास माल आता है उत्पादनकर्ता के द्वारा, उसके पश्चात उनको जो है छोटी छोटी पैकेजिंग करता है, उनका श्रेणीकरण करता है और उनके छोटे छोटे भागों में, छोटी छोटी इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी पैकेजिंग करता है। तो श्रेणीकरण एवं पैकेजिंग का कार्य भी जो है थोक व्यापारी के द्वारा किया जाता है। फिर हम स्थिरता, कीमतों में स्थिरता की बात करें, कीमतों में स्थिरता ये किस प्रकार से बनाए रखता है, चूंकि थोक व्यापारी जो है वो अपने पास प्रॉपर स्टॉक बनाकर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर या फुटकर व्यापारी की मांग पर, डिमांड पर जो है उनको वो विक्रय के लिए माल को उपलब्ध कराता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार से थोक व्यापारी जो है बाजार में मांग और पूर्ति का जो संतुलन है वो प्रॉपरली क्या करता है, बनाए रखता है। और जब मांग और पूर्ति का संतुलन बना रहता है तो इस स्थिति में कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। तो ये जो है इसके प्रमुख कार्य हैं थोक व्यापारी के। अब इसके द्वारा जो सेवाएं हैं, दो प्रकार से ये सेवाएं देता है थोक व्यापारी जो है, उत्पादकों के प्रति और दूसरा उपभोक्ताओं के प्रति। तो यहां पर हम पहले देखते हैं उत्पादकों या निर्माताओं के प्रति सेवाएं। थोक व्यापारी क्या है, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच का एक मध्यस्थ बिंदु है, एक कड़ी है। तो यहां पर जो भी उत्पादन किया जाता है वो उपभोक्ताओं के आधार पर, फुटकर व्यापारी की डिमांड पर जो है थोक व्यापारी के द्वारा उत्पादनकर्ता से उत्पादन को कराया जाता है। तो यहाँ पर थोक व्यापारी जो है उत्पादक या निर्माताओं के प्रति क्या अपनी सेवाएं देता है, जैसे बड़े पैमाने पर खरीदी, यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में इसके माल के खरीदने के कारण जो है उत्पादकों को ये माल को तैयार करने का आदेश भी देता है थोक व्यापारी। तो बड़े पैमाने पर ये यहाँ से उत्पादकों से माल को खरीदता है। फिर उत्पादन का नियोजन, उत्पादन किस प्रकार से हो, किस कंटिन्यूटी में हो, ताकि जो है प्रॉपरली बाजार में जो है उसके द्वारा सप्लाई की जा सके, तो इसलिए उत्पादन का यहाँ पर ये प्लानिंग भी करता है, नियोजन भी करता है। फिर बाजार संबंधी सूचनाएं, समय समय पर बाजार में किस प्रकार की डिमांड है, मांग है वस्तुओं की, ये फुटकर व्यापारियों से सूचना प्राप्त करके जो है बाजार संबंधी जो सूचनाएं हैं इसको उत्पादक तक पहुँचाता है और उस हिसाब से उत्पादन को तैयार कराता है। फिर मूल्यों में स्थायित्व, मूल्यों में स्थायित्व की बात करें यहाँ हम, तो थोक व्यापारी के द्वारा जो है मांग और पूर्ति का संतुलन जो है स्टॉक के माध्यम से बनाया, पूर्ति का संतुलन बनाया जाता है स्टॉक के माध्यम से। तो बाजार में जैसी मांग होती है उस हिसाब से ये माल की समय समय पर आपूर्ति करता है, इससे मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद संग्रहण एवं विज्ञापन की बात करें, तो माल को ये बड़ी मात्रा में अपने पास एकत्रित करके रखता है और उत्पादक की ओर से ये उत्पादित माल का विज्ञापन भी थोक व्यापारी करता है। तो ये थोक व्यापारी के द्वारा जो है उपभोक्ताओं या निर्माताओं को दी जाने वाली सुविधाएं हैं। दूसरा बिंदु जो है थोक व्यापारी द्वारा फुटकर व्यापारी के प्रति
सेवा है। थोक व्यापारी जो है फुटकर व्यापारियों के लिए किस प्रकार से मददगार है, किस प्रकार से वो सहायता करता है, उसके द्वारा कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो सबसे पहला तो आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति, यदि फुटकर व्यापारी की जिस प्रकार की मांग है उसके हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से जो है थोक व्यापारी समय अनुसार उसके स्थान पर उसकी आवश्यकता अनुसार जो माल की पूर्ति करने का दायित्व किसका, थोक व्यापारी का। फिर वित्तीय व उधार सुविधा, फुटकर व्यापारी को जो है माल को उधार बेचने की यह सुविधा प्रदान करता है थोक व्यापारी। सामान्य तौर पर जो है थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को उधार ही माल बेचता है, और फुटकर व्यापारी द्वारा जब माल को जैसे जैसे धीरे धीरे बेचता चला जाता है वैसे वैसे उधार की राशि जो है वो थोक व्यापारी को वो चुकाता चला जाता है। तो वित्तीय व उधार सुविधा प्रदान करता है। फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय, थोक व्यापारी जो है पूरा का पूरा जो भी माल उत्पादनकर्ता से प्राप्त करता है उसको इकट्ठा फुटकर व्यापारी को न देकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय के लिए फुटकर व्यापारी को समय 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 अनुसार उसकी डिमांड के हिसाब से वो प्रदान करता है। फिर जोखिम उठाना, चूँकि बड़े पैमाने पर यह खरीदी करता है, माल को अपने पास सुरक्षित रखता है, और बाजार की स्थितियाँ जो होती हैं कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ थोक व्यापारी जो है लार्ज स्केल पर वस्तुओं को अपने पास एकत्रित करके रखता है और काफ़ी समय तक इसकी पूंजी जो है वो फंस जाती है। तो इस हिसाब से ये बड़ा एक जोखिम उठाता है, और साथ ही इसकी जो लाभ का प्रतिशत दर है वो भी काफ़ी कम होता है, इसलिए थोक व्यापारी जो है एक बड़ी जोखिम उठाता है। फिर श्रेणीकरण एवं पैकेजिंग सेवाएँ, फुटकर व्यापारियों की आवश्यकता अनुसार जो है वो वस्तुओं का श्रेणीकरण करता है और उनको उनके हिसाब से पैकेजिंग बनाकर जो है उनकी सेवाएं ये थोक व्यापारी यहाँ पर करता है। तो ये थोक व्यापारी द्वारा जो है फुटकर व्यापारी के प्रति सेवाएं जो दी जाती हैं वो है। अब समाज के प्रति सेवाएं, हम सभी के प्रति जो है थोक व्यापारी जो है किस प्रकार से सेवा देता है, जैसे उपयोगी वस्तु का निर्माण, हमारे लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जो है उत्पादनकर्ता से ये करवाता है। फिर मूल्य स्थायित्व, मूल्यों में ये स्थायित्व बनाकर रखता है, मांग और यहाँ पर जो है पूर्ति का प्रॉपर संतुलन जो है वो मांग के हिसाब से बनाकर रखता है, तो मूल्यों में क्या है स्थिरता बनी रहती है, कीमतों पर नियंत्रण बना रहता है। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन, थोक व्यापारी जो है वो बहुत अधिक मात्रा लार्ज स्केल में माल को एकत्रित करके रखता है, तो बड़े पैमाने पर यह उत्पादन भी उत्पादनकर्ता से करवाता है। और इसके बाद संसाधनों का कुशलतम उपयोग और विज्ञापन द्वारा ज्ञान वृद्धि। तो यहाँ पर जो है थोक व्यापारी जो है समाज के प्रति जैसे विज्ञापन के द्वारा जो है लोगों को जागरूक करता है, अपने जो भी वस्तुओं को वो विक्रय कर रहा है बेच रहा है उसके बारे में समस्त प्रकार की जानकारियाँ जो है वो विज्ञापन के माध्यम से प्रदान करता है। तो थोक व्यापारी द्वारा जो समाज के प्रति जो सेवाएँ हैं। फिर अभ्यास प्रश्न, आंतरिक व्यापार से आशय एवं उसके प्रकार कौन कौन से हैं, थोक व्यापार से आशय उसकी विशेषताएँ लिखिए, थोक व्यापार के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को समझाइए, चौथा थोक व्यापारी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत नंबर एक उत्पादक व निर्माता के प्रति, दूसरा फुटकर व्यापारी के प्रति और तीसरा समाज के प्रति दी जाने वाली सेवाओं को समझाइए।